अरे भाई जी नमस्ते। अरे दिखाइए कोई सस्ते वाला फोन जिसमें बड़े मेगापिक्सल वाला कैमरा हो। अरे भाई सस्ते वाले में बढ़िया कैमरा तो मिल जाएगा, पर प्रोसेसर कहाँ से लाओगे? प्रोसेसर भी तो चाहिए होता है बढ़िया पिक्चर लेने के लिए। अरे ओ सनी नेचर की भाई, सारा दिन कैमरे पे बैठा रहता है, बताइयो इसको, समझाइयो भाई। अभी बना दो भाई, अभी बना दो वीडियो इसके बारे में। तो क्या हुआ दोस्तों, स्वागत है आपका सनी नेचर टेक में। तो आज हम इस टेक में बात करने वाले हैं क्यों एप्पल और गूगल जैसी कंपनियां अभी भी 12 मेगापिक्सल के कैमरे को यूज करती हैं अपने हाई एंड फोन में। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि 12 मेगापिक्सल का कैमरा जो है वो क्या सफिशिएंट है, और दोस्तों उसके अलावा मैं आपको एक रिकमेंडेशन भी बताऊंगा कि अगर आपको कोई बढ़िया कैमरा और बढ़िया स्पेक्स वाला फ़ोन चाहिए पर आप इतना पैसा नहीं खर्च करना चाहते, तो उसके लिए मैं आपको एक सजेशन भी इस वीडियो के एंड में बताऊंगा। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी भी मेरे चैनल पे कैंपेन चल रहा है, तो पहले 1000 लोग जो सब्सक्राइब करेंगे उनमें से एक को मैं दूंगा 5000 रुपये का फ्लिपकार्ट का गिफ्ट कार्ड। तो दोस्तों ये एक ओपन गिफ्ट कार्ड होगा जिसे आप अपनी मर्जी का कुछ भी खरीद सकते हैं। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उस क्वेश्चन की जो मैंने पहले वीडियो के स्टार्ट में रेज किया था, वो था कि क्यों एप्पल और गूगल जैसी बड़ी कंपनियां अभी भी 12 मेगापिक्सल का कैमरे का सेंसर को यूज़ कर रही हैं। अगर आप देखें सैमसंग का गैलेक्सी S20 अल्ट्रा में आपको 108 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है, तो काफ़ी लोग ये सोचते हैं कि एक बड़े मेगापिक्सल वाले सेंसर कैमरा आपको बढ़िया क्वालिटी का पिक्चर देता है। अगर हम बात करें बड़े सेंसर वाले कैमरों की, तो उसको प्रोसेस करने में बड़ा टाइम लगता है बिकॉज उसमें काफ़ी पिक्सल डेटा होता है जो प्रोसेसर पर ही काफ़ी हार्ड होता है। तो इसलिए अभी इतने फास्ट प्रोसेसर नहीं मिलते आपको मोबाइल्स के अंदर जो इस डेटा को प्रॉपरली प्रोसेस कर सकें, इसलिए गूगल और एप्पल जैसी कंपनियां 12 मेगापिक्सल के कैमरे के साथ स्टिक करती हैं। उसके अलावा दोस्तों और भी बहुत बड़े ड्रॉबैक्स हैं बड़े मेगापिक्सल की पिक्चर्स के, जैसे कि आप जानते हैं कि प्रोसेसिंग में प्रोसेसर की काफ़ी जान लगती है, उसके कारण प्रोसेसर काफ़ी स्लो हो जाता है। एक ये रीज़न है कि एप्पल एंड गूगल जैसी कंपनियां इस 12 मेगापिक्सल के कैमरे के साथ स्टिक करती हैं। उसके अलावा दोस्तों जब प्रोसेसर ये इतनी बड़ी मेगापिक्सल की इमेज को प्रोसेस करता है, उससे आपकी बैटरी पे भी काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। इस प्रोसेसिंग के टाइम पे प्रोसेसर काफ़ी बैटरी कंज्यूम करता है, और ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है एप्पल या गूगल जैसी कंपनियों के लिए, क्योंकि जैसे आप जानते हैं कि बैटरी रिप्लेसमेंट नहीं मिलती। उसके बाद दोस्तों डेटा काफ़ी बड़ा होता है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया गूगल और एप्पल जैसी कंपनियों के मोबाइल्स में आपको एक्सपेंडेबल स्टोरेज भी नहीं मिलता। तो अगर आप इतने बड़े मेगापिक्सल या डेटा की पिक्चर्स अपने फ़ोन में रखेंगे तो आपका स्टोरेज बहुत जल्दी भर जाता है। तो इसलिए एक और रीज़न है कि एप्पल और गूगल जैसी कंपनियां 12 मेगापिक्सल कैमरा सेंसर को प्रेफर करती हैं, क्योंकि उसकी इमेज रेजोल्यूशन जो होता है इतना बड़ा नहीं होता, और स्टोरेज में भी प्रॉब्लम नहीं होती और प्रोसेसिंग में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। दूसरा क्वेश्चन ये उठता है तो भाई कि वीडियो क्वालिटी भी तो एक चीज़ होती है कि बड़ा मेगापिक्सल का कैमरा बढ़िया क्वालिटी देगा, बढ़िया लाइटिंग मिलेगी उसके साथ अगर ज़्यादा पिक्सल्स होंगी। तो ये बात कुछ हद तक ट्रू है, अगर आपको 4K की वीडियो शूट करनी है तो तकरीबन आपको 10 मेगापिक्सल तक का कैमरा चाहिए होता है। तो आपको 12 मेगापिक्सल का कैमरा मिल रहा है अभी भी, तो काफ़ी सफिशिएंट है अभी की टेक्नोलॉजी जो आपको प्रोवाइड मिल रही है। ये एक और रीज़न है कि एप्पल और गूगल जैसी कंपनियां अभी भी इसी कैमरा सेंसर के साथ स्टिक करती हैं। तो दोस्तों ये तो आप लोगों को बताना चाहता था, बहुत सारे मेरे दोस्त ऐसे हैं जो मेरे को ये क्वेश्चन पूछ रहे थे। तो आप अगर 20-25 हज़ार रुपये का फ़ोन खरीद रहे हैं और उसका प्रोसेसर इतना सही नहीं है, तो जितना मर्जी बड़ा मेगापिक्सल का कैमरा होगा पर आपके पास अगर प्रोसेसिंग पावर नहीं है फ़ोन के अंदर, तो वो आपको सपोर्ट नहीं करेगा और आपका फ़ोन बहुत ही जल्द स्लो हो जाएगा। आपको 4K की वीडियो शूट करनी है, आपको बढ़िया रेजोल्यूशन पे पिक्चर शूट करनी है, उसके लिए प्रोसेसर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो जब भी मेरे दोस्तों आप अगर फ़ोन खरीदेंगे तो इस तो प्रोसेसर को ज़रूर ध्यान में रखते हुए फ़ोन खरीदिए, क्योंकि अगर आप 20-25 हज़ार रुपये अभी लगा रहे हैं और ये प्रोसेसर ऑलरेडी 2-3 साल ओल्ड है, तो आपको लेटेस्ट पिक्चर्स क्वालिटी या ब्लॉगिंग के लिए चाहिए होती है, वो आपका प्रोसेसर प्रोसेस नहीं कर पाएगा बेशक जितना मर्जी बड़ा मेगापिक्सल का सेंसर दे दिया है फ़ोन के अंदर। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जब आप फ़ोन खरीद रहे हैं, नया फ़ोन खरीद रहे हैं, तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का प्रोसेस लीजिए। और दोस्तों आगे बढ़ते हुए बात करते हैं वन प्लस की। तो बहुत सारे दोस्त मेरे को पूछते हैं कि हायर स्पेक्स का फ़ोन चाहिए पर इतना महंगा नहीं चाहिए, तो आपको मैं सजेशन देता हूँ वन प्लस 8 का, क्योंकि वन प्लस 8 जो है इंडिया में इसकी प्राइस US से कम है। US में जो इसकी प्राइस है दोस्तों वो है $700, और अगर आप इसकी प्राइस इंडिया में देखते हैं तो ये आपको मिलेगा 42,000 इंडियन रुपीज़ का, जो तकरीबन US का
$550 बनता है तो तकरीबन $150 चीपर मिलेगा आपको इंडिया में. इंडिया में OnePlus ने अपना OnePlus 8 का प्राइस काफ़ी नीचे रखा हुआ है, तो ये एक खुशखबरी है आपके लिए. इसकी जो स्टार्टिंग प्राइस होगी दोस्तों 8GB की रैम और 128GB का इसके अंदर स्टोरेज जो है OnePlus 8 का, वो US के कंपैरिजन में $100 चीप है. उसके अलावा दोस्तों 12GB रैम और 250GB का स्टोरेज वाला जो वर्जन है दोस्तों वो अबाउट $150 चीपर है US के कंपैरिजन में. ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ है जो मैं आपको बताना चाहता था. तो उसके अलावा दोस्तों जो बुलेट जेड वायरलेस एयरबड की बात करें जो वन प्लस की तरफ से आने वाला है, तकरीबन हाफ ऑफ द प्राइस मिलेगा US के कंपैरिजन में इंडिया में. ये भी आपको एक बहुत बड़ी खुशखबरी है. वन प्लस काफ़ी एफर्ट लगा रहा है इंडिया की मार्केट में एंटर होने के लिए. अभी मैं दोस्तों iPhone 11 Pro यूज़ कर रहा हूँ, बट इससे पहले जो मेरे पास फ़ोन था वो था वन प्लस 7 Pro. बहुत ही बढ़िया क्वालिटी और बहुत ही लेटेस्ट प्रोसेसर मिलता है. जैसे मैं हर बार अपनी वीडियो में जोर देता हूँ, अगर आप खरीदने का डिसीजन ले रहे हैं, डिसीजन जो है वो अपना प्रोसेसर रखा कीजिए. आपको अगर आपके फोन नए फोन में प्रोसेसर अच्छा मिल रहा है तभी फोन खरीदिए, बिकॉज जो अभी लेटेस्ट चीप फोन शामी की तरफ से या ओप्पो की तरफ से आते हैं उसमें प्रोसेसर 2-3 साल पुराना होता है, जो काफ़ी स्लो होता है, क्योंकि आजकल की इमेजिंग प्रोसेसिंग के लिए जो टेक्नोलॉजी चाहिए होती है वो प्रोसेस उसको प्रोसेस नहीं कर सकते. तो इसलिए प्रोसेसर ही एक मेन फीचर होता है फ़ोन का जो बताता है कि आपके अगले 2-3 साल कैसे निकलेंगे. और अगर आप एंड्रॉयड यूज़ करना चाहते हैं तो OnePlus 8 फ़ोन यूज़ कीजिए, बिकॉज उसमें हमेशा ही आपको हाई एंड का प्रोसेसर मिलता है. तो ये एक बहुत बढ़िया फ़ोन है प्रोसेसिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से. ये फ़ोन काफ़ी ज़्यादा टक्कर देता है हाई एंड फ़ोन को. प्राइसेस में भी ये काफ़ी चीप होता है बाकी के सैमसंग या एप्पल के हाई एंड फ़ोन से. तो ये एक बढ़िया फ़ोन रहेगा आपके लिए अगर आप बढ़िया फ़ोन लेना चाहते हैं, जो मैं टॉपिक इसके बारे में बात करना चाहता था इस वीडियो में. तो दोस्तों अगर मेरा आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर कीजिए मेरे वीडियोज़ को, और दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करिए मेरे चैनल को. तो मेरी कोशिश है कि मैं ऐसी न्यूज़ आपके लिए और भी लेके आता रहूँ ताकि आपको लेटेस्ट टेक के बारे में पता हो और आपकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हो सके इन चीज़ों को जानने के लिए. दोस्तों मैं था आपका सनीचर और आप देख रहे थे सनीचर टेक. जो दोस्तों ने अभी तक मेरे को सपोर्ट किया है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया. तो दोस्तों जल्द ही लेके आऊँगा और बढ़िया वीडियो, फिर मिलते हैं. शुक्रिया.